गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको सॉल्युबिलिटी क्या होती है सिखा दिया गया था। सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देख लिया था। किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दूँ तो उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या कुछ भी नहीं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी इज एज फॉलो। पहला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप लिक्विड में सॉलिड मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर में सॉल्ट या वाटर में शुगर, अब इसमें क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है आपका वो तो लिक्विड है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है, सॉलिड। यानी कि इस केस में जब आपके पास सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से अक्सर, ध्यान रहे अक्सर करने का मतलब, मैक्सिमम केस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि वहीं टेम्परेचर घटाने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे। देन सेकेंड पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। और अगर आपके पास सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि वही वाटर सॉल्ट वाटर शुगर वाली केस है, तो उसके प्रेशर के चेंज करने से उसके सॉल्युबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चाहे वो प्रेशर आप हाई कर दे या लो कर दे या सेम रखे, सॉल्युबिलिटी लगभग वही रहती है। थर्ड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हाँ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये जस्ट उल्टा होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। जबकि अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों और क्या होता है, ये ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये लिक्विड भरा पड़ा कंटेनर है, इसमें आप गैस मिक्स किए हैं, राइट। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स पास में थे ये और तेज वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे, ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और बाहर आके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। यानी कि इस लिक्विड में, 100 ग्राम के लिक्विड में अमाउंट ऑफ गैस बढ़ रही होगी या घट जा रही होगी, घटेगी। मान लीजिए अगर यहाँ से 1 ग्राम गैस भी बाहर निकल गई तो गैस की अमाउंट क्या हो गई, घट गई। क्योंकि गैस की अमाउंट घट रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। एक बार फिर से, जब आप लिक्विड में गैस मिक्स किए हों और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस क्या होता है, स्केप करने लगते हैं, यानी कि इस कंटेनर से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। जब वो गैस यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस लिक्विड में गैस की अमाउंट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। क्योंकि गैस की अमाउंट कम हो रही है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ गैस सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट क्या है, मेरी गैस है, एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये सिंबल किसका है, इंक्रीज का। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। जबकि अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब आप टेम्परेचर घटाएंगे तो जो बाहर के गैसेस हैं वो ठंडा होंगी, हाँ, और कंडेंसेशन प्रोसेस की हेल्प से वो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसमें आके मिक्स होने लगेंगी। यानी कि जैसे सब ठंडा करेंगे तो बाहर की गैस भी इसके अंदर आके मिक्स होने लगेगी। जब बाहर की गैस अंदर आएगी तो इस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर के घटाने से, इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग, सॉरी
ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बात समझ आ गई? एक बार फिर से आप तीनों पॉइंट्स को समझ लें ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। पहला पॉइंट ये कहता है, अगर मेरे पास सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट हैं, तो उस केस को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो टर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला टर्म ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन सोलुबिलिटी इंक्रीजेस, जबकि अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो सोलुबिलिटी घट जाएगा। दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑन चेंजिंग प्रेशर, अगर आप इनके प्रेशर को बदल देते हैं, हम क्यों चेंजिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब आप चाहे प्रेशर को बढ़ाइए या घटाइए, उससे इसके सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी विल रिमेन सेम या अनचेंज्ड। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज आपको नहीं आएगी। ये तो था तब जब हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट हो। अभी हमने देखा, अगर मेरे पास गैसियस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उस केस में यही चीज़ ठीक अपोजिट हो जाती है। हाँ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, जबकि टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए? हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। चले आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ इज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, देखिए कैसे। आपके पास क्या है? गैसियस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की तो बात छोड़ दीजिए, गैसियस सॉल्यूट है। अब देखिए, अगर आप किसी गैस की प्रेशर को बढ़ाएं, कोई एक गैस रख लें और उसकी प्रेशर को लगातार बढ़ाएं, तो बताइए ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी या फिर सॉलिड में? सॉलिड में कैसे होगी? जब भी आप किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होती है? गैस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। हाँ, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कंप्रेशन। जैसे आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। वो क्या करते हैं, नेचुरल गैस मीथेन को लेके खूब अच्छे से कंपनी में, फैक्ट्री में उसको कंप्रेस किया जाता है। यानी कि उसी गैस को जब कंप्रेस करेंगे, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, गैस के पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं दूर दूर, जब आप इसको प्रेस करेंगे प्रेशर लगा के बाहर से, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। जब वो पास आएंगे तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन जाता है, और ये अरेंजमेंट किसकी है? यस, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, आप ध्यान समझिएगा एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जो बाहर की गैस होगी वो लिक्विड में आके मिक्स हो जा रही होगी। तो बताइए, सॉल्यूशन के अंदर गैस की अमाउंट बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अगर सॉल्यूशन में अमाउंट बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जबकि प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। जबकि अगर सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट होता तो प्रेशर को चाहे बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उससे उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, वी विल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर इन अ लिटिल डिटेल। लुक एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर। देखिए, अलग अलग टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी दी गई है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 14 ग्राम,
10 डिग्री सेल्सियस 17 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस 21 ग्राम, 30 डिग्री सेल्सियस 24 ग्राम, 40 डिग्री सेल्सियस 29 ग्राम, सब आपको रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि बैठ गए सब रटने, ये सब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना भी नहीं है ये सब, बस आपको सुनना है, समझना है और भूल जाना है। लेकिन इससे पहले जो हम डायग्राम बना बना कर आपको समझा रहे थे वो आपको लिखना जरूर है, वो आपके काम आएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस साइड में बढ़ रहा हूँ टेम्परेचर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू देखिए, 14, 17, 21, 24, 29, 34, 40, 47, ये भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अगर मेरे पास सॉलिड सॉल्यूट है लिक्विड सॉल्वेंट में, तब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज़ जो हमने ऊपर समझाई थी, ये चीज़ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू देख के भी आपको बताई जा रही है। क्या मुझे इसकी कोई ज़रूरत है? नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको इसके रटने के पीछे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टूडेंट डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ फोर सब्सटेंस पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर, 10, 20, 40, 60 एंड 80 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग टेम्परेचर पे कोई एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है और उसको अलग अलग सॉल्युबिलिटी मिलती है अलग अलग सॉल्ट के लिए। वो सारी डिटेल्स उसने ऐसे एज ए टेबल अरेंज कर दिया है। अब आपसे कुछ वैल्यू के बारे में पूछेगा, हमें उसका जवाब देना होगा। देखिए टेबल को ऊपर कर देना। हाँ, पहला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। पहले देखिए, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे हमें पोटेशियम नाइट्रेट ढूंढना है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? 62 ग्राम। इसका मतलब कि आप 100 ग्राम वाटर में, आप ऐसे लिख लीजिए, आप सॉल्युबिलिटी 62 ग्राम है, इसका मतलब 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम क्या मिक्स कर सकते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको सिर्फ 50 ग्राम पानी है तो उसमें कितना सॉल्ट मिक्स हो सकता है? बहुत सिंपल है, आप अपना मैथ्स यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 100 को 50 करना है, यानी कि 100 का हाफ है 50, तो 62 का हाफ कितना हो जाएगा? 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आंसर। एक तो ये हो गया जिनकी मैथ्स कम से कम थोड़ी तो अच्छी हो। अब जिनकी मैथ्स एकदम अच्छी नहीं है उनके लिए वो लिखेंगे 100 ग्राम H2O कंटेन्स 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। फिर वो 100 ग्राम को 1 ग्राम बनाएंगे, वो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम H2O। देखिए 100 को 1 बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये 62 अपॉन 100 बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन हमें 1 ग्राम के लिए नहीं, हमें कितने के लिए निकालना था? 50 ग्राम के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ लिखते हैं 50 ग्राम वाटर कंटेंट्स। अब बताइए 1 को 50 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 62 अपॉन 100 इंटू 50। 0 0 कैंसिल, 5 2 10 एंड इसको डिवाइड करेंगे 31 टाइम्स, आपको क्या मिलेगा? 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। क्या ये सेम आंसर मिला? हाँ। अब जिनकी मैथ्स अच्छी हो थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे और इतना कैलकुलेशन करने से बचेंगे, जिनकी अच्छी नहीं है उनका ये तरीका है, वो इस तरीके को फॉलो करेंगे। 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम, तो 50 ग्राम वाटर में 31 ग्राम। अच्छा ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उसने सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो मुझे पता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है। 100 ग्राम वाटर में कोई भी कितना सॉल्यूट है उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, इसीलिए मुझे ये 100 ग्राम वाटर वहां पे अपने आप मिल गया। चलिए ये तो रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आया कितना? 31 ग्राम। देखिए इसका आंसर कितना आएगा? 31 ग्राम्स, सही है। आइए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का कॉलम देखना हमें, ठीक है, एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हाँ ये वाला है 54 ग्राम, इज लेफ्ट टू कूल टू द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब उसको आपने क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। आप बताइए ठंडा होने का मतलब टेम्परेचर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, टेम्परेचर कम हुआ होगा तो सोलिबिलिटी क्या हो गई होगी, घट गई होगी। अगर सोलिबिलिटी घट गई होगी तो आपके सॉल्यूशन में सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है ना, KCl, इसको मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी कि सेपरेट होके बाहर निकल जाएगा। आप रूम टेम्परेचर अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस ले, वैसे 20 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, लगभग वो 27 होता है, अगर आप 20 भी लेके चलें तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम क्लोराइड कितना आएगा, 35 ग्राम सॉल्युबिलिटी, जबकि 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 54 ग्राम। तो देखिए जब आपका 80 डिग्री सेल्सियस था तो उसमें 54 ग्राम सॉल्ट मिक्स हो गया था, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस आया होगा तो उसमें कितना मिक्स हुआ होगा, 35 ग्राम, तो बाकी सॉल्ट कहाँ गया, बाकी सॉल्ट उस कंटेनर में नीचे सेपरेट आउट होकर इकट्ठा हो जाएगा, सही है। चले आइए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या दिया है, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट टू कूल देन द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल ग्रेजुअली सेपरेट आउट हाँ फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन कूलिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी यानी कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया, तो एक्स्ट्रा वाला सॉल्यूट जाएगा कहाँ, वो उसी कंटेनर में नीचे आके बैठ जाएगा। ये चीज़ आपको ठीक इससे दो लेक्चर पहले भी आपको समझाई गई थी जब हम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द सॉल्युबिलिटी किधर गया, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी क्या है और किसकी सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है, आइए देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम है और अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें से किसकी सॉल्युबिलिटी इसी फिक्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सिंबल आपको बताए थे, याद है, भूल गए चेक, कोई बात नहीं, NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलिए आइए आंसर देखिए, सो आंसर इज, सबका आंसर यहाँ पर दिया है, अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट एज शोन बाय अबव डेटा, ऊपर का डेटा देख के बताइए टेम्परेचर बदलने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, दैट्स ऑल। तो ये आप पूरा क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे और पीछे जो टॉपिक्स आपको टिक किए हैं हम उन पॉइंट्स को आपको लिखना है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।